हेलो फूडीज़, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी लेकर। आज मैं आप लोगों के साथ साउथ इंडियन स्टाइल आलू मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम डोसा के साथ सर्व करते हैं। ये रेसिपी क्विक एंड ईजी है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। साउथ में लोग कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे और 1 टीस्पून जितना राई दाना डालेंगे, यानी कि सरसों के दाने। इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 7 से 8 कड़ी पत्ता। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चटकने के लिए छोड़ देंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से चटक जाने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून जितना सफ़ेद उड़द की दाल डालेंगे। इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, साथ ही फ्लेवर बहुत ही बढ़िया देते हैं। अब इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। अभी गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना भिगोए हुए चने की दाल। तो चने की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगने के लिए छोड़ दिया था, फिर पानी ड्रेन करके हम इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना मैंने चना की दाल लिया है। अब अच्छी तरीके से इसे सौते कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सौते हो जाने के बाद इसमें मिलाएंगे 4 तीखी वाली हरी मिर्च, जिसको कद्दूकस कर लिया था, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको ग्रेट करके डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इनका कच्चापन उड़ जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें मिला लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो पूरी सब्जी का नमक हम इसमें मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने लंबी लंबी स्लाइसेस में कुछ इस तरीके का कट कर लिया था। इस तरीके का कटिंग करने की वजह से वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डाइसेस भी इसके कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमें प्याज को अच्छी तरीके से पकाना है, इसका कच्चापन एकदम दूर कर देना है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लीड कवर करके इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। बीच में हम 1-2 बार चला भी लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है, मैंने बीच में 2 बार चला लिया था, और आप देख सकते हैं प्याज एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, प्याज एकदम गल चुके हैं, एकदम पक चुके हैं। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। इस सब्ज़ी में बहुत सारे मसाले नहीं डलते, इसी वजह से एक क्विक एंड ईजी भी है, साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस बनती है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे 4 बड़ी साइज़ के प्याज लिए था ना, तो उसके सामने हमने 2 आलू को कुछ इस तरीके के हाथों की मदद से पीसेस करते इसमें डालना है। ऐसा करने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। तो 2 उबले हुए आलू हैं, जिसको हाथों की मदद से मैश करते हुए इसमें डालना है। अब अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब आलू में मसाला चढ़ जाए, उसके लिए हमें लीड कवर करके स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेना है वापस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल छूटने लगा है, यानी कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। तो लीजिए, तैयार है हमारा आलू मसाला साउथ इंडियन स्टाइल। अगर वीडियो किसी भी कारण से आपको पसंद है आनंद का, इस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।